एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में सोमवार को तहसील सदर के सभागार में कोरोना जांच शिविर पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक के संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि महानगर के 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना मरीजों की जाँच कराई जा रही है। अगर स्थिति को देखा जाए तो जिले में करीब 5,000 जांच प्रतिदिन हो रही है, जिसके शहरी क्षेत्र में करीब 3,000 से 4,000 के करीब जांच की जा रही है। एसडीएम सदर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जांच कराने के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 6.5% से घटकर 4.5% तक पहुंच गया है, जो तहसील सदर की टीम की अच्छी उपलब्धि है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, तहसील सदर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 मेडिकल मोबाइल यूनिटों के माध्यम से कराए जा रहे दैनिक कोरोना शिविरों के संबंध में राजस्व लेखपालों या राजस्व संग्रह अमीनों से मीटिंग की गई और स्ट्रेटेजी बनाई गई कि किस तरीके से टेस्टिंग करानी है। जो सिम्टोमेटिक हैं ILI ऐसा सारी के वो हैं उसको टेस्टिंग करानी है, जो पॉजिटिव के संपर्क में आए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले हैं उनका टेस्टिंग कराना है, एवं जो 50 साल से अधिक कोमॉर्बिड वाले हैं डोर टू डोर जाके उनका भी टेस्टिंग कराना है। तो इसी संदर्भ में बैठक की गई। टेस्टिंग हमारी अच्छी हो रही है, अच्छी टेस्टिंग हो रही है। कमिश्नर सर और शासन के द्वारा टीम जो आई थी ACS सर भूसरेड्डी सर ने भी काफ़ी सराहा है, लेकिन अब इसी टेस्टिंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो टेस्टिंग अधिक होने से हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम आ गई है। तो इसी संदर्भ में बैठक की गई है और अधिक से अधिक टेस्टिंग ऐसे लोगों की जो वल्नरेबल हैं और जो संक्रमित के संपर्क में आए हो सकते हैं, ऐसे लोगों की टेस्टिंग प्राथमिकता आधार पर करानी है। सर, इस समय इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का टेस्ट कराया जाता है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है उसकी स्थिति पहले क्या है? लगभग प्रतिदिन हम 5,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 3,500 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं और 3,500 में से अभी जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 6.5% है। तो 6.5% काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी रेट है, इसको और कम करने की ज़रूरत है, 4% से कम होनी चाहिए। अगस्त महीने में यही जो रेट थी वो 13.5% थी, तो 13.5% से हम 6.5% पे आ गए हैं। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारी बढ़ी हुई टेस्टिंग को है, हमारे स्टाफ को। तहसील सदर का पूरा स्टाफ तन मन धन से इसमें लगा हुआ है। प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 8 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक की पूरी स्ट्रेटेजी इसी आधार पर चल रही है, किस तरीके से इस टेस्टिंग को बढ़ाएँ और इस संक्रमण की चेन को तोड़ें।